महान परंपरा को हमारी हजारों साल सैकड़ों साल पुरानी परंपरा उसको ध्वस्त किया जा रहा है। स्टालिन के बेटे ने क्या कहा, सनातनी दुनिया के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्योशी। सनातन धर्म को लेकर लगातार इन दिनों वार पलटवार पक्ष विपक्ष के बीच में चल रहा है। ऐसे में आज रांची के सांसद संजय सेठ ने भी इस मुद्दे पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। आज इस प्रेस वार्ता में आप देखो कि किस तरह देश से लेकर झारखंड तक सनातनी धर्म के खिलाफ आग उगली जा रही है। आज झारखंड के अंदर जो हमारे मंदिर हैं, जो महंत जिस मंदिर को संचालित करते थे, जहां पर जिस पहाड़ी मंदिर पर उपायुक्त अध्यक्ष होते थे और सचिव सदर एसडीओ होते थे, ऐसे जगह पर राजनीति की बू आ रही है कि किस तरह महंत परंपरा को, जो हमारी हजारों साल सैकड़ों साल पुरानी परंपरा, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। कैसे राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी के लोगों को ऐसी जगह बैठाया जा रहा है जहां पुजारी प्रथा, महंत प्रथा, क्या हो रहा है ये? क्या आप उन्हीं अपनी आकाओं से गाइड हो रहे हो जो आपके आका बोल रहे हैं कि हिंदू पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे? किसने कहा? राजा ने कहा। स्टालिन के बेटे ने क्या कहा, सनातनी दुनिया के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बेटे ने क्या कहा, लगातार सनातनी धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगली जा रही है। उनको पता नहीं कि जिन मुगलों ने सनातनी धर्म को खत्म नहीं कर पाए, अंग्रेजों के शासन में सनातनी धर्म को खत्म नहीं कर पाए, और वो चंद लोग जो तुष्टीकरण के चलते सिर्फ कुछ वोट को लेने के लिए 140 करोड़ देश में और ऐसे 200 करोड़ हिंदू जो पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे उनके देवी देवताओं के खिलाफ, सनातनी धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदी देवती देवी देवताओं के खिलाफ जो अशब्द कहे जा रहे हैं, अब पानी सर से ऊपर बह रहा है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।